हेलो वेवो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक ट्रेली में ना मेरी से। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल कर रहे होंगे। सजेशन थी अरी सर का, एक नया गाना आया है केसरिया। जब से ये रिलीज हुआ है इतनी सजेशन आ रही हैं, इतनी सजेशन आ रही हैं, बट तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गया, और मैं माजत करता हूँ। ओके, सो लिरिकल वर्जन है इस सॉन्ग का, दी रॉयल ट्यून का ये वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं केसरिया लिरिकल वर्जन। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। क्या बात, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। क्या सॉन्ग है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। रिसेंटली जितने भी रिलीज हुए उनमें सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे ये। क्या खूबसूरत लाइंस हैं, सर की आवाज तो बेमिसाल है, नो डाउट। बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ब्यूटीफुली रिटन, लिरिक्स बहुत आला। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी छकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। वाव, केसरिया तेरा इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। कहीं से लग नहीं रहा कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा। I don't know, but nostalgic से feeling आ रही है पहली बार सुन रहा हूँ। वाह वाह वाह, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ऐसा कहीं से लगा ही नहीं कि ये सॉन्ग मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है, जैसे आप बचपन से सुनते आए हो।
शायद इस सॉन्ग की कंपोजिशन किसी और सॉन्ग से मैच करती है, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं इसको पहली बार नहीं सुन रहा। ब्रह्मास्त्र मूवी का ये सॉन्ग है। अभी मूवी भी रिसेंटली आगे रिलीज हो चुकी है या फिर नहीं हुई, ट्रेलर देखा था मैंने उसका, ट्रेलर पे शायद रिएक्ट भी किया था। हाँ, तो ये गाना अभी भी आया है, बट इसकी जो कंपोजिशन है वो शायद वाकई में किसी सॉन्ग से मैच कर रही है इस वजह से। बहरहाल अब मुझे समझ आई है कि ये गाना मुझे इतनी ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट क्यों आ रही थी इस पर रिएक्शन देने के लिए। ऑल दो मैं खुद भी अजीत सर का कोई भी नया सॉन्ग जो है वो मिस नहीं करता, हर सॉन्ग पे ही रिएक्ट करता हूँ। मैं लेट इसलिए हुआ, इवन अभी भी मेरी आवाज़ से शायद आपको अंदाजा हो रहा हो कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई। मैंने जो रिसेंटली वीडियोज़ डाली है वो मेरी बहुत पहले की रिकॉर्डिंग थी और मैंने वो अपलोड कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता करके अपलोड की, तो इस वजह से मैं लेट हुआ था। इट इज़ अ ऑसम सॉन्ग, क्या खूबसूरत गाना है, इतना खूबसूरत लिखा हुआ ये गाना है, और अजय सर की आवाज़ तो बेमिसाल है, वो जो भी गाते हैं वो मास्टरपीस बन जाता है। बट आई गेस ये रिसेंट टाइम का सबसे अच्छा मास्टरपीस है और ये सुपर हिट होने वाला है। आई गेस ये आप इसको जो एस्थेटिक वीडियोज होती हैं, एडिट्स बनाते हैं, उसमें भी ये यूज हो सकता है। इट इज सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडिशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।